गाइस, गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह 6 बजे है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मोराबादी बापू बटी का, और ये इस तरह का सजाया हुआ है, इस तरह का सजाया हुआ है। फिट इंडिया, फ्रीडम रन या खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय रांची एवं जिला प्रशासन रांची झारखंड सरकार के द्वारा से ये हर साल कराई जाती है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। और सबसे पहले हमारे खिलाड़ी पहुंच चुकी हैं यहाँ, और देखिए यहाँ पर हैं। हाय करो, पूरा रेडी है। बापू जी का वाटिका है, इस तरह से स्टेज बना हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारे खिलाड़ी, टी शर्ट मिला है नया नया, और सभी खुश है। फिट इंडिया फ्रीडम रन के लिए सभी बच्चे तैयार है, बहुत खुश है कि टी शर्ट मिला है। इंतजार की घड़ी ख़त्म हुई, इस समय सभी रेडी है। और सबसे पहले हमारे पर्यात्री खिलाड़ी आगे हैं और झंडा पकड़ के खड़ी है। सभी तैयार हैं, बापू जी का वाटिका के पास सभी लोग खड़े हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, सभी इवेंट के खिलाड़ी हैं ये। सब रेडी है रनिंग करने के लिए। लगभग 500 होंगे। ये वीडियो बना रहे एकलव्य के बच्चे हैं। ये सब पकड़ी हुई है, लिखा हुआ है इस तरह करके। देखिए साझा हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। कुछ ही क्षण देर बाद यह कार्यक्रम निदेशक कुछ क्षणों में जितने भी प्रतिभागी हैं, हमारे जो बच्चे हैं और सिस्टम में खड़े हो जाए। यहाँ सारे बच्चे, 5 बच्चे को खड़ा हो जाए, बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हुए हैं और सबके कोच आए हुए हैं, कोच खड़े हैं। और इस तरह स्वागत करते हुए जिला खेल पदाधिकारी रांची संजीव कुमार, उन्हें आग्रह करेंगे हम दोस्त महोदय से कि नवीन सिंह सैनी ऑफिसर को
जिसे देखकर स्वागत करते हुए समय आग्रह करेंगे दोस्तों महोदय को कि श्री सोना हस्तोत्र ओलंपियन पोस्टल का दुखा देकर स्वागत करें। हमारे दोस्त उपस्थित है विनोद सर, उन्होंने सोने का गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। जिला स्तर पर अधिकारी संजीव कुमार, धन्यवाद सर। और ये आजादी के अमृत महोत्सव पर तीसर वितरण अतिथियों को जिला खेल पदाधिकारी महोदय के द्वारा क्योंकि सुपर हल करके दौड़ना है तो आप उन्हें जाना है। आजादी के अमृत महोत्सव के सत्तर साल पर अधिकारी भी टी शर्ट पहन चुके हैं, रनिंग करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और इस समय इस तरह से फ्लैग होस्टिंग करते हुए हमारे चीफ गेस्ट और अतिथिगण और ये रन प्रारंभ हो चुका है। एक चक्कर रन लगाना है और 10 नंबर गेट से स्टेडियम के अंदर एंट्री करना है। सभी प्रतिभागियों को ने सूचना कि आराम से जाएं, धक्का मुक्की नहीं करेंगे और वापस एक चक्कर मारने के बाद गेट नंबर 10 से स्टेडियम के अंदर एंट्री करेंगे। धन्यवाद। निदेशक खेलकूद सह कार्यकारी निदेशक साजा श्रीमती सरोजनी लकड़ा जी उपस्थित हैं, साथ में है श्री मनोहर टोपनो ओलंपियन, हमारे बीच उपस्थित है नरेंद्र सिंह सैनी जी, अर्जुना अवार्डी, हमारे बीच उपस्थित है विनोद सर, उनसे भी आग्रह करेंगे कि मंच है उसमें एकलव्य सेंटर झारखंड सरकार और साई के लड़कों के बीच होगा और साई के बीच सामने चले जाएं, मैदान के अंदर चले जाएं। जो भी प्रतिभागी हैं यहाँ पर हमारे स्टेज के सामने वो मैदान की तरफ चले जाएं या थोड़ा साइड में जगह ले लें और रस्साकसी प्रतियोगिता का आनंद लें। बैठ जाएं, बाकी लोग बैठ कर रिलैक्स हो जाएं। हॉकी आप लोग को बता दूं, ये हॉकी खिलाड़ी है वैसे और साई के हैं और आज इन लोग रस्सा कसा करने वाले हैं, रस्सा कसा में भाग लेंगे। हॉकी खिलाड़ी, ये देखिए हॉकी खिलाड़ी रस्सा कसा में भाग लेंगे। एकलव्य है दूसरी टीम एकलव्य है, सभी हॉकी खिलाड़ी हैं पर आज रस्सा कसा में भाग लेंगे। रस्सा कसा टग ऑफ वॉर, चलिए प्रतियोगिता ये देखिए, अभी देखिएगा थोड़ी देर में आप लोग को दिखाती हूँ।